आपके विरोधी भी मानते हैं कि एक आप ऐसे शख्स हैं जिनकी हर धर्म हर जाति आपके ऊपर 37 मुकदमे की लिस्ट है। जैसे विरोधी लोग कुछ चक्कर है जो आदमी इसको एम्पानी होता है इसके ऊपर दम लगते हैं जो है, अगर माफिया गुंडा हम लोग होते तो क्या माफिया गुंडे के नाम पे 30,000 रुपये आ गया, क्या माफिया गुंडे के नाम पे मैं 35,000-40,000 वोट का दावा कर रहा हूँ। मैडम जी साल 2010 बहुचर्चित सुभाष सिंह हत्या का उस पर आपका नाम आया। अमर सिंह से एक समय में आपके काफ़ी अच्छे संबंध थे, अभी उनसे कैसे संबंध? उनके चक्कर में जो मैं बर्खास्त हुआ पुलिस विभाग से, उस बर्खास्तगी के आदेश में उनके नाम का जिक्र है। अमरेश द्विवेदी से संबंध कैसे जी? नमस्कार, सेटिंग प्रभात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत कर रही है कटहरी से ब्लॉक अजय सिंह से बाहर हैं हमारे चैनल सेटिंग प्रभात में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कटहरी विधानसभा उपचुनाव काफ़ी तेजी से तैयारी से रही है और इसमें काफ़ी कई उम्मीदवार हैं, उनमें से आप एक उम्मीदवार और आपकी ये मजबूत दावेदारी कहीं ना कहीं चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया। पिछला चुनाव जो विधानसभा का था और ये वाला चुनाव, इसको आप कैसे देखते हैं? पिछला चुनाव 2022 का 17 आप 2017 के चुनाव में मेरे पास अनुभव करने को राय थी। दूसरी चीज की बहुत राजनीति दावे संपर्क पड़ता था, विरोधी की मजबूत हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, उनको अनुभव ज्यादा रहा थी। 2017 में चुनाव रहा, एक दिन में मेरे ऊपर 5-6 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं अलग अलग थानों और मुकदमे दर्ज करके हमारे लगभग 15 लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको वांछित कर देते हैं। जिन मुकदमों की स्थिति है कि 3 मुकदमे में एक ही आदमी गवाही है, कितना दिलचस्प मामला रहा होगा। और चूंकि जब प्रशासन पीछे पड़ता था, शासन प्रशासन कोई नहीं कर सकता, हम नजरबंद हो गए, नजरबंद मैं चला गया जिला छोड़कर के। हमारे समर्थकों को, हमारे प्रचार करने वालों को रुपया जाने लगा, पिछले धमकाने लगा, तमाम स्थितियाँ हुए, प्रचार मत करिए, उन्हें मार कर दिया, प्रचार मत करो, किसी को नुकसान जाएगा, उन्हें मत करने की स्थिति नहीं किसी। और लास्ट का जो 15 दिन होता है चुनाव का, वही सबसे मतलब मजबूत पीरियड होता है, उसी में जनता धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट करती है, हाँ मन बनाती है कि हमको किसकी मदद करना है, किसको वोट देना, कौन उस लायक है। उसी स्थिति में 20,000 लोगों को 22,000 वोट में पा गया, इतना किसी को उम्मीद नहीं था कि यार प्रमुख हुए हैं तो 4-5,000 वोट पा जाए लोग, चूंकि हमारे यहाँ जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों की स्थिति यही 2-5,000 वोट इंडिपेंडेंट। अब चूंकि तब से समय बीता है 2017 से लेकर के 2024, 2017 के बाद लगातार मेरे को बोलने लगते हैं, पब्लिक सब समझती है आप किसी को पन्ना लगा लीजिए, लगवा दीजिए, ये गलत है, प्रशासन आपके खिलाफ होगा तो पॉलिटिक्स का भी हुई, आदमी कहीं इधर उधर जुआ लगा कहीं करा के खिलाफ में चार सीधा टिक करा देगा, खिलाफ में गवाहियाँ भी करा दी जाती हैं। अब मेरे ऊपर बीते जितने मुकदमे लग गए, ज़्यादातर मुकदमे हमारे यहाँ का सजायाफ्ती अपराधी उसको 2 सप्ताह का दिला दिया गया, उसी से एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है लगातार। सोचिए एक आदमी एफआईआर करा रहा है, उसमें गवाही वही है, जगह वही, एफआईआर का मजनून वही, ऐसे क्रिमिनलिटी बढ़ा दी गई। तो तब से लेकर जनता के बीच में पैनिक बहुत ज़्यादा हुई, जनता को लगने लगा कि अरे हम ये कटेरी की जो जनता है इसको नेताओं ने चलाकार बना लिया, जो आया चल के किनारे हो रही है, आप उठा दे रही 25-30 साल पुराना इतिहास, किसी भी नेता ने क्यों वहां जातिगत राजनीति करते हैं, पार्टी राजनीति करते हैं, अपना बेस किसी का नहीं है, किसी कोई इतनी किसी क्षमता नहीं जो अरविंद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं 10,000 उठ पाए, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। खास सवाल है जाति पे कि जैसे इस भाजपा जो है आजादी के बाद सिर्फ एक बार घोषित निकाल पाई है 1991, आपको अगर भाजपा टिकट देती है तो क्या ये जो जाति समीकरण है कटेरी विधानसभा का वो आप तोड़ने ध्वस्त करने के काम है आप हो पाएंगे? देखिए बात आप सही क्वेश्चन है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं, विरोध हम कैंडिडेट हमेशा होता है, जब आप चेहरा सही नहीं देंगे तो भाई 2017 में लगभग 78,000 कुछ मिला भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सुनाई गई है मोदी जी की चुनाव लड़ा जा रहा, 2022 के चुनाव
योगी जी के फेस पर लड़ा गया, लेकिन सुनामी नहीं थी, तब भी वोट इंक्रीज हुआ 87,000 पहुंचा। इधर उसमें लोकसभा शायद 1,00,000 कुछ तैयार उठ पा गई बीजेपी, तो बीजेपी कहा है ना दरका। और जब आप कैंडिडेट नहीं सही दोगे, मैं तो कह रहा हूँ ना, हमको टिकट दो, जात का मिथक, धर्म का मिथक, सब पूरा चक्र भी तोड़ देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी, यूथ मेरे साथ आना है। तो आज की डेट में हर घर का मालिक यूथ है, हर घर का मालिक। आप भी अपने घर के मालिक ही होंगे, मैं समझ से माँ बाप जैसे बच्चा समझदार होता है उसके सुकुर कर देते, भैया अपने हिसाब परिवार चलाओ, अपने हिसाब देखो, वो सुनी जाती सबकी। यूथ हमारे साथ है, हर बिरादरी में 80-90% यूथ मेरे साथ है। आप घूम रहे हैं, आप मीडिया जगह पर, आपको मालूम ही होगा, हमको टिकट। बात तो करोन जी आपके विरोधी भी मारते हैं कि एक आप ऐसे शख्स हैं जिनकी हर धर्म हर जाति में आए। सवाल ये है कि आपके ऊपर 37 मुकदमे की लिस्ट भी है, तो इन मुकदमों को लेकर आपको राजनीतिक रूप से क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, सामाजिक रूप से आपको ये कैसे परेशान करते हैं? जैसे विरोधी तो कुछ चक्कर है, जो आदमी इसको अहमानी होता है, इसके ऊपर मुकदमे लगते हैं, जो कि आप समाज में किसी चीज का विरोध करोगे, जब आप किसी के खिलाफ खड़े हो गए किसी चीज के खिलाफ, नहीं ये चीज गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोग लगे तो आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर क्षमता है, आपको खत्म करने के लिए समाज में, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको पीछे करने के लिए एक मुकदमे की जंजीर आपके पैरों में बांध दी जाए, जिससे आप उसके बाद दुष्प्रचारित कर दिया जाएगा, माफिया है, गुंडा है, दबंग है। अगर माफिया गुंडा हम लोग होते तो क्या माफिया गुंडे के दाम पे 20,000 वोट आ गया? क्या माफिया गुंडे के दाम पे मैं 35,000-40,000 वोट का दावा कर रहा हूँ विधानसभा में? मैं तो दावा कर रहा हूँ कोई विधानसभा लोकसभा लड़े 2,00,000 वोट से कम निर्दलीय पाए जाऊंगा तो राजनीति नहीं करूंगा पूरी लोकसभा में। तो जनता सब समझती, मैंने आपको कहा ना कुछ देर, जनता सब समझती कि परमा फर्जी है, परमा सही है, केवल स्वाभिमानी होना ही गलत हो गया। परमा लगाते चले गए सब 37 मुकदमों में से लगभग 10 मुकदमा गैंगस्टर है, गैंगस्टर सरकार का मुकदमा होता है मेरे ऊपर। तो मैं पीसी पे गया हूँ, पीसी पकड़ने प्रयास किया गया, मैं उसको फर्जी बिना मुकदमे के पकड़ के मुकदमा लगा दिया, मैं निकल चला गया दूसरी गाड़ी से। मेरे ऊपर धमकी का 506 का मुकदमा एक तजाती अपराधी द्वारा दर्ज करा दिया जाता है, उसके बाद गैंगस्टर लगा देते हैं। किस तरह गैंगस्टर लगा है? 6 गुंडा लग गया मेरे ऊपर, गुंडा भी सरकार का मुकदमा होता है। चुनाव में पता लगा, खुद पोस्टर छपवाया गया, पोस्टर लगा करके वीडियो बना के एफआईआर दर्ज करा दिया गया जो अधिकारी होते हैं चुनाव के, उनके द्वारा। ऐसे ऐसे मुकदमे मेरे ऊपर लग गए, फर्जी पता लगा, जनसभा नहीं किया, मुकदमा मेरे ऊपर लग गया। तो 37 मुकदमे से लगभग 25-26 मुकदमे तो मेरे ऊपर ऐसे लग गए, और एक भी नाम चले एफआईआर नहीं, जितनी हीनियस क्राइम पर लगे हैं एक भी नाम चले एफआईआर मेरे ऊपर नहीं। ये स्थिति है। बहुचर्चित सुभाष सिंह हत्याकांड, उस पर आपका नाम आया, विरोधी इसको काफी प्रचारित करते हैं और जगह जगह इसका इसको लेंगे आपके हुए आरोप लगाते हैं, कहानी नहीं बताते। क्योंकि ये 2010 में मैं एलएलबी कर रहा था, मेरा एग्जाम एलएलबी, मैं उसके कुछ दिन पहले मैंने बड़ी बड़ी वोटिंग लगवा दी अपने जिला पंचायत से, जिला पंचायत लड़ने के लिए मेरे दिमाग चल रहा था। इसी बीच मेरा फैजाबाद वारंट था, मैं वारंट निकालते रहने के जब महोदय ने मुझे भेज दिया, तो हमने सोचा कि यार पुलिस मेरा मेरी होर्डिंग फाड़ फेंक दे रही है, धमकारी से दिखो मत, तो एग्जाम नहीं देने देंगे सब। हमने चलो ठीक है, जेल से अपना परमिशन कराया और जेल से कस्टडी में जाके एग्जाम देने लगा। दुर्भाग्य से हत्या हो जाती है। माननीय प्रमुख जी का भी बहुत विवाद चल रहा था, उनके पेन भर में थे, उसे पटना में माननीय प्रमुख जी के खत्म होने के बाद कुछ दिन बाद उनके परिवार के कुछ हमारे सगे मामा, सब मेरा पारिवारिक सम्मान था लोगों से, इन लोगों को एक मुकदमे में सजा नहीं हो गई। प्रमुख जी के सगे भाई को उनके भाग्य उनको हमारे सगे मामा को 4-5 लोग सजा हो गए उसी एक मुकदमे में, और उनका जमीन का बहुत जरूरी विवाद था, अभव विवाद था, मारुआ में था, इसी से कई जगह विवाद था। इत्तफाक देखिए, जिस जमीन के मामले में पुलिस बता रही मर्डर हुआ है, वो जमीन मेरी नहीं है, मेरे खानदान में लोग हैं, उनके बहन का मैटर था, मेरी बुआ लगती है, मेरे संबंध में अच्छे नहीं थे परिवार से, पटीदारी होता ही मन मटाव थोड़ा बहुत, और जमीन है, और आज की हम क्यों गोली चला देंगे चलवा देंगे? सबसे बड़ी बात, मेरे भाई को पूरा कुर्मा, मेरा मेरे सगे मामा को, सगे मामा के लड़के को, सब तो सगे मामा, सगे मामा लड़के उठके तो प्रमुख जी की अंत्येष्टि से लेकर के दुर्घटना से लेकर के 13वीं तक साथ रहे,
तेरह दिन में लोगों ने बता दिया मैंने ये फला 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 लोग मारने में फला 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 लोग मरवाने में मेरा कोई मतलब नहीं था। और सुन लीजिए, हम लोगों की फाइल अलग करा ली गई, जिनका जमीन का मैटर था उनकी फाइल अलग हो गई, हम लोग की फाइल अलग हो गई, हम लोग मुकदमे में समगवाही करा दी गई मुकदमा जजमेंट की तरफ। और मतलब विडंबना देखिए कि जो मेन मुलजिम है आदमी जिसके जमीन का विवाद जैसे बता रहे हैं, पूरी कहानी यहाँ क्रिएट हो रही है। दो साल हो गया उनके खिलाफ एक भी गवाही नहीं किया उनके सरकारों ने, तो आप इसको समझिए कितना राजनीतिक मैटर हो गए। मतलब आप समझिए जमीन का विवाद आपका है, मुकदमा आपसे शुरू होता है कि आपके नाते हमने इस तरह काम करवा दिया, आपके खिलाफ घर वाले उनकी गवाही नहीं दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो मैनेजमेंट है ये, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी हुआ हो, जहां इनको डेमोलाइज करने के लिए इनको खत्म करने की चुकी राजनीति कुछ सबका खत्म हो रहा होता है, मेरे खिलाफ सब नेता लग जाते हैं जिले के, इसको खत्म करो नहीं तो इसकी चीजें बढ़ती जा रही हैं, इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं, इससे आपको नेता इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे खिलाफ हटे तो रखते हैं सब। हम तो कहते हैं सब मुकदमे सीबीआई जांच करा ले सरकार, अभी समय है सरकार जांच करा ले, पर किसी मुकदमे में दोषी हो भाई जो करना वहां पर नहीं करके राजनीति और टोटल राजनीति करो। तो अभी आज मैं कह दूं कि भैया मैं राजनीति समझा ले रहा हूँ, उसको राजनीति नहीं करनी ना समाज किसी मामले में दखल देना, आज सब विरोधी खत्म, सब मुकदमे खत्म हो जाएंगे। लेकिन स्वभाव नहीं है पैर पीछे का अपने का, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लड़ा जा रहा लड़ा जाएगा। आपकी जो फैमिली है काफी एजुकेटेड है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन आपकी लड़की ने काफी अच्छा नंबर लाई थी मेरी जानकारी, और आपके पिता फादर जो है वो भी पुलिस विभाग में थे, तो थोड़ा सा आपको लगता नहीं कि हम एजुकेटेड फैमिली से थे और हमारे ऊपर इतने मुकदमे हो गए, चाहे वो राजनीति चाहे जैसे, इससे कभी विचार नहीं आता आपको? इसको बहुत ज्यादा सोचना, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, जाए भी दिला के नाम ताए भी रहे। देखिए हमारे यहाँ सोचना जिंदगी में चलती, जिंदगी जैसे चलाती है हम लोगों को उसी से डर करके चलना पड़ता है, तो सफल वही हो पाता है जीवन में जो परिस्थितियों से लड़ करके आगे बढ़ता है, तो सोच करके कुछ नहीं कर सकते आप, आगे क्या हो रहा है उसको देखना, पीछे जो हुआ विचारेंगे। ठीक है नेता है जिसे सब लोग टिकट मांग रहे हो, टिकट छेद करके आए मतलब 2022 मदद किया था, राजनीति मदद किया था, बाकी हमारा कौन मतलब भाई, हमारे सुख दुख में नहीं खड़े हैं तो कोई संबंध होता है, संबंध मतलब होता है हम आपके सुख दुख में खड़े हैं, आप हमारे सुख दुख में खड़े हैं, मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहा जब चुनाव लड़े 2022 में, मेरे सुख दुख में नहीं खड़े रहते, मेरा कोई मतलब रहता है। सिपाही माफिया बाहुबली, बाहुबली तक का ये आपका सिपाही से लेकर बाहुबली तक का सफर कैसा रहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अनुभव, भाई सिपाही था सिपाही नाम पहचान है, मेरे ना रहने के बाद भी चार पुख्त जो याद करेंगे सिपाही नाम, उनको फख्र होता है मैं सिपाही था पुलिस विभाग में सबसे, इसलिए हमको ग्राउंड लेवल समझ ज्यादा है, मैं इसलिए गरीब जनता से ज्यादा रहना पसंद करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा आप कभी नोटिस करिएगा किसी का प्रोग्राम होगा बड़े आदमी का, किसी का फंक्शन कोई होगा शादी ब्याह, मैं सबसे लेट वहाँ पहुँचता हूँ जो भीड़ कम हो जाती है, उसके पहले मैं गरीब आदमियों के यहाँ कोशिश करता हूँ, पहले उनके यहाँ उनके दरवाजे में पहुंचूंगा, उनका सम्मान बढ़ जाएगा, उनकी शोभा बढ़ जाएगी उनके दरवाजे की और उनका मनोबल बढ़ेगा। अमीर आदमी के हम जैसे बहुत लोग रहते तो हम कौन किसको नोटिस करता है, और हमारी मजबूती वही है, हमारी पूंजी वही है, हमारी ताकत वही है गरीब आदमी बीच में रहने के लिए। और रही बात माफिया, तो माफिया चूंकि प्रशासन ने विरोधियों ने मिलकर माफिया नाम दे दिया, इससे हमको बहुत चिड़ होती है, लेकिन ठीक है जो भी नाम दे दिया उसको बहुत ज्यादा सफाई करने कोई मतलब नहीं। बाहुबल तो चूंकि जब आप मदद करेंगे, जब आप लोगों ने लड़ेंगे तब आपको बाहुबली कहा जाए, उसी पर चीज जब हम बाहुबली नहीं होंगे तब मदद कैसे बात कर पाएंगे, हमारी भुजाओं में ताकत होगी तभी किसी मदद करेंगे ना, ठीक है अच्छी बात बाहुबली कहना चाहिए अच्छा लगता है, ठीक है कंधों फुला भगवान ने बनाया है ना, लोग बाहुबली कह रहे हैं लोग, मैं लोगों मदद कर रहा हूँ लोगों काम आ रहा हूँ, ये तो जीवन है लोगों का काम आ जाए अच्छी बात। अमय सिंह से एक समय में आपके काफी अच्छे संबंध है, अरे उनसे कैसे संबंध है? अब संबंध भैया ऐसे रहे हमारे की 20 साल हमारे संबंध रहा, उनके चक्कर में जो मैं बर्खास्त हुआ पुलिस विभाग से, उस बर्खास्तगी के आदेश में उनके नाम का जिक्र है कि आप उनके संबंध में हैं इसलिए आपको सेवा से बर्खास्त किया था, और भी तमाम एजेंसी से। अब 20 साल मत को मदद कहे ना, और संबंध का मतलब होता है कि आप फिर बता रहा हूँ आप एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहेंगे तभी आप संबंधी हैं, और ना भीड़ है इतने समझ लीजिए, अभी इससे कुछ टाइम नहीं, और पहले संबंध थे मेरे संबंध से नहीं है, फिलहाल मेरा कोई मतलब नहीं रहता उनसे।
अगर इस बार भाजपा आपको मांग लीजिए टिकट नहीं मिलती आपका स्टैंड क्या होगा? लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और पार्टियों का भी ऑफर था है, मैं मना कर चुका हूँ, मैं आपके मन बनाया हूँ अपने समर्थकों को बुलाऊंगा एक हफ्ता वक्त पहले नोटिस दे करके एक जनसभा करूंगा जो सर्वसम्मत से जो लोग कह देंगे बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी दबाव उधर ही मूव हो जाऊंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ अगर टिकट मुझको नहीं मिलेगा मैं जिसको चाहूंगा वही विधायक बनेगा, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। किसी परिस्थिति में तो मैं कहीं भी जाऊंगा मुझको अपने संबंधियों को पर पांच समाज जनता पर इतना विश्वास भरोसा है वो तो मेरी परिस्थिति में भली बात समझते हैं और कि जिसको मैं चाहूंगा वही विधायक बनेगा। कटहरी की जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कटहरी की सभी सम्मानित जनता से, माताओं बहनों बेटियों से, वहाँ के सभी सम्मानित बुजुर्गों से, पिता तुल संबंधियों से, भाइयों से, दोस्तों से, मित्रों से, सभी नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि बार बार हमसे लोग पूछते हैं, मैं बहुत क्लियर नहीं कर पाया कि आप क्या करेंगे विधायक होने पर। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये है अगर मैं विधायक बन गया तो आपके सुख में न खड़ा रहूं, ठीक है, दुख में मैं ये मेरा परिवार है मेरा संबंधी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। वैसे भी राजनीति विधायक बनू या ना बनू मेरा लक्ष्य है जीवन का। आप देखिएगा मीडिया के माध्यम को आप लोग हल्के आप न्याय हैं, जितनी मेरी क्षमता रही है मैं हमेशा खड़ा रहूंगा बिना किसी जात पात भेदभाव के। दूसरी चीज की मेरी सोच है कि इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति मर नहीं पाएगा। इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं पार्टी, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं विधायक बन गया तो। तीसरी चीज थी कोई आदमी पैसे के अभाव में शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा, जब शिक्षित होगा वो जब उसको इलाज की पूरी व्यवस्था समुचित व्यवस्था होगी आदमी जीवन जी लेगा आराम से अच्छे तरीके से समस्या से खत्म हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत फंडा है और इसको मैं करूँगा मैं विधायक हो गया चाहे जैसे करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय सिंह सिपाही जी थे। आपको बता दूं कटहरी विधानसभा में इस समय कई लोग जो रजमाइश पे लगे हुए हैं लेकिन उनमें एक नाम अजय सिंह सिपाही ऐसा है जिसे भाजपा या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खारिज करने में जिसको काफ़ी मुश्किल आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रोशनी के साथ विपिन शुक्ला, स्वतंत्र प्रभार, लखनऊ।